कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदे उड़ा दे। चलिए एक छोटी सी कहानी कहती हूं। एक बच्ची थी जो आसमान में उड़ना चाहती थी। कुछ 10-11 साल की उम्र में खेल खेल में उसने अपने घर की एक दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम के साथ लिख दिया, मेरा अपना कॉन्सर्ट। हो सकता है बच्ची के लिए वो सिर्फ एक खेल हो, लेकिन माता पिता के लिए नहीं। हालांकि माँ बाप का संगीत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बच्ची के ख्वाबों से तो था, बच्ची की उम्मीदों से तो था। उस दिन के बाद उस घर में, उस दीवार पे, घर में जब भी रंगाई हुई, कभी भी उस दीवार पे नया रंग नहीं लगाया गया, क्योंकि पिता चाहते थे कि बच्ची का सपना जिंदा रहे जो उस दीवार पे लिखा हुआ था। वेल, वक्त बीतता चला गया, बच्ची के हौसले बुलंद थे, अपनी आवाज, सुरीली आवाज के पर लगाकर वो मौसीकी के आसमान में उड़ने लगी। और माता पिता की साधना एवं समर्थन का ही फल था कि आखिरकार 12 साल बाद एक दिन ऐसा भी आया जब अहमदाबाद के टाउन हॉल की दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में उस बच्ची के नाम के साथ लिखा था, आनल वसावड़ा कॉन्सर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आनल वसावड़ा, वो आवाज जो आज भी मौसीकी के आसमान को अपनी आवाज के रंगों से रंग रही है। यहां हमारे पास कम ऑडियंस है, लेकिन अगर वो लोग भी तालियां बजा दे तो हौसला अफजाई हो ही जाएगी। तकरीबन 1500 कॉन्सर्ट्स के बाद भी जिनकी आवाज हर बार एक नया अंदाज दिखाती है, उस आनल ठक्कर के साथ और उनकी सुरावलियों के साथ मैं लिपि ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओवर टू आनल। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, एटले हूँ मारी मातृभाषा में आप सौनु स्वागत करवा मांगू छू। संगीत प्रेमी सुरीला लताजीना प्रियजनों, आनल वसावड़ाना प्रणाम। आजे मारी संगीत यात्रानो आ आगवो अने अनोखो मुकाम छे। विश्व संगीतना टोच उपर जेमनू होवू सरस्वती मातानी जीवंत मूर्ति समान छे, एवा लताजीना स्वर कवनने आजे मारा अवाजना अजवाड़े शोभावा छे। आप सौनू वर्चुअल प्लेटफॉर्म परथी रूबरू मळ्या जेटलू स्वागत करू छू। स्वरना मोर पीछथी શબ્દના મૌનને અછોવાના કરાવવા છે, અને સૂર શબ્દના આ સાયુજ્યને આજે તમારી સમક્ષ દીપાવવા જઈ રહી છું ફિલ્મ મહેલનું એક આઈડેન્ટિટી બન્યું છે એ સોંગથી હું આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છું। સો લેટ્સ બિગિન વિથ ધીસ બ્યુટિફુલ ઇવનિંગ કોલ્ડ સોલફુલ લતા। चाप है be
तक लगे किनारे।